हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो दिस इज मी नसीम। तो आज मैं लेकर आई हूँ पार्टी मेकअप लुक। यस, पार्टी मेकअप लुक, बिकॉज अब हमें क्रिसमस चल रहा है एंड हमें पार्टीज में जाना होता है, गेट टुगेदर होते हैं, डिनर्स हो जाते हैं, तो वहाँ पे हमें जाना है। एंड ये वाला मेकअप लुक बहुत ही सिंपल है, आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। मैंने बहुत ही सिंपल स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर किया है कि किस तरीके से मैं अपना पार्टी मेकअप लुक करती हूँ। सो आप लोगों का टाइम मैं ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगी, तो लेट्स डाइव इनटू अवर वीडियो। सो सबसे पहले मैं यूज कर रही हूं लैक्मे का प्राइमर। सो नेक्स्ट मैं यूज करने वाली हूं मेबलिन का सुपर स्टे इन शेड 310 सन बेज, एंड मैं इसे अपने फुल फेस पे लगा लेती हूँ। और मैं ये अच्छे से ब्लेंड करूंगी ताकि कोई भी पैचेस ना हो। सो नेक्स्ट मैं यूज करने वाली हूँ मेबलिन का इंस्टेंट एज रिवाइंड एज अ कंसीलर। सो अब हो गया है कंसीलर, अब मैं इसे सेट कर लेती हूँ। सो मैं अपना फेस सेट करूँगी ये मेबलिन फिट मी लूज पाउडर से। नेक्स्ट मैं कॉन्टोर कर लूँगी शुगर के कॉन्टोर पैलेट से। थोड़ी सी नोज को भी कॉन्टोर कर लेती हूँ। सो ब्लश में लगा रही हूँ माय ग्लैम के प्ले रास्पबेरी ब्लश। ये बहुत ही अच्छा पिंक टोन है। सो अब मैं स्टार्ट करूँगी मेरी आईज। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट पैलेट, और सबसे पहले लाइट शेड में ये यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं ये वाला शेड लूँगी। और अब मैं लगा लूंगी ग्रीन शेड। सो मैं स्विस ब्यूटी के पैलेट में से ये ग्रीन ले रही हूं। यहां पे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है ब्लेंड करने, बिकॉज जो मेरी आई पे एलर्जी हुई है उस वजह से। अब मैं ये ग्रीन कलर को थोड़ा बिल्डअप करूंगी एंड देन इस पे मैं ग्लिटर लगा दूंगी।
सो इस पे मैं ये ग्रीन कलर लगा रही हूँ। सो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। ये तरफ थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है बिकॉज ऑफ दैट इन्फेक्शन। अब मैं लगा लूँगी आईलाइनर। सो मैं नेक्स्ट लगा रही हूँ लैक्मे का लाइनर। सो हो चुका है मेरा लाइनर। मैंने बहुत ही टाइट लाइनर दिया है ताकि जो मेरा आई शेडो है वो अच्छे से दिख के आए। अब मैं लगा लूँगी काजल। सो काजल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का काजल। सो लगा चुकी हूँ मैं काजल। अब मैं इसे थोड़ा सा स्मोक आउट कर देती हूँ। सो अब मैं कर लूंगी मेरे आईब्रो। एंड आईब्रो के लिए मैं आज यूज करने वाली हूँ ये फॉरएवर 52 का आई शेडो पैलेट। इससे मैं डार्क ब्राउन लेके अगर आपके पास आईब्रो पैलेट ना हो तो आप अपना आई शेडो भी यूज कर सकते हो लाइक मैं जिस तरीके से कर रही हूँ। सो हो गया है मेरे आईब्रोस। अब उसके बाद मैं यूज करूँगी माई ग्लैम की मस्कारा। मुझे ये वाला मस्कारा बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी वॉन्ड कुछ इस तरीके से है। मैं ये मस्कारा नीचे भी लगा लूंगी। सो हो चुकी है मेरी आईज कंप्लीट। अब मैं लगाऊंगी हाइलाइटर बट उससे पहले मैं अपना फेस सेट कर लेती हूँ विद अ फिक्सिंग स्प्रे। सो ये है मेरा फिक्सिंग स्प्रे, रेवोल्यूशन का है, ग्लो फिक्स है। ये इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट देता है बिकॉज ये इल्यूमिनेटिंग फिक्सिंग स्प्रे है। सो मैं इसे अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे स्प्रे कर देती हूँ। एंड ये बहुत अच्छी ग्लो देता है अगर आप इस तरीके से करते हो तो। और अगर आपको ट्रिक जाननी है अपना बेस लॉन्ग लास्टिंग किस तरीके से रखना है तो मैं आई बटन में एक वीडियो डाल दूंगी ताकि आप वो देख सके एंड अपना बेस लॉन्ग लास्टिंग किस तरीके से रखना है वो जान जाए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं लगा लूंगी हाइलाइटर एंड उसके बाद मैं लगाऊंगी मेरी लिपस्टिक एंड देन हमारा मेकअप हो चुका है कंप्लीट। सो हाइलाइटर के लिए मैं यूज करने वाली हूँ फॉरएवर 52 का हाइलाइटर पैलेट। ये है, मैं दो तीन शेड मिक्स करके हाइलाइट करूंगी। एंड ये बहुत अच्छा पैलेट है। अगर आप प्रोफेशनल हो तो ये पैलेट हर किसी के पास होता है। सो आप देख सकते हो कितनी अच्छी शाइन आ रही है। मैं इसे डैप कर लेती हूँ ताकि वो पैची पैची ना दिखे। सो
सो लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर की मैट एंड लिप क्रीम, ये है शेड नंबर 55। और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी थोड़ी सी शाइन, और ये है लिप ग्लॉस फ्रॉम शोपेरल। सो मैंने थोड़ा सा लिप ग्लॉस यूज किया है फ्रॉम शोपेरल, मुझे थोड़ा सा ड्यूई लुक चाहिए था इसीलिए। एंड सो हो चुका है मेरा मेकअप लुक कंप्लीट। अब मैं जल्दी से मेरे हेयर सेट कर आती हूँ एंड आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ किस तरीके से आया है। सो चलिए। सो हो चुका है मेरा पार्टी मेकअप लुक कंप्लीट एंड आप देख सकते हो कितना फ्लॉलेस है और बहुत ही अच्छा ग्लो आ रहा है वो हाइलाइटर के वजह से। सो मैंने बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों के साथ शेयर किया है कि किस तरीके से मैं अपना पार्टी मेकअप लुक करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।